सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन और फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो सब अनुच्छेद 16 से निकलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है वो उसका जो टाइटल है वो ये बताता है कि ये एक तरह से इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ग्रांट करता है भारत के नागरिकों को, यानी कि सभी जो भारत के नागरिक हैं उनको सरकारी नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध हो सके। और फिर ये अनुच्छेद ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी भी सिटीजन को, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस या एनी ऑफ देम, इनके बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। ये तो है मुख्य बात। इसके बाद फिर इस अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि जो सरकार है, सरकार के पास ये डिस्क्रिशन है कि अगर चाहे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बाद में जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ऐड किया गया, बाद में जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी प्रोविजन इसमें ऐड कर दिया गया है, और प्रमोशन में रिजर्वेशन की भी बात कही गई है, वो सब प्रावधान जो है अनुच्छेद 16 में ही दिए गए हैं। और जब जब इस अनुच्छेद में एक तरह से कोई सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है या कोई ऐसे प्रोविजन लेके आते हैं जिससे कि किसी एक क्लास को जो सरकार को लगता है कि पीछे रह गई है उसको आगे लाने के लिए फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनके लिए रिजर्वेशन की जाती है, उनके लिए प्रोविजन किए जाते हैं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है और फिर उसके बाद जो है उसका इंटरप्रिटेशन आता है। इस अनुच्छेद के बारे में जो अगर सबसे महत्वपूर्ण केस की बात करें तो वो इंदिरा सहाने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जो कि उन मंडल कमीशन केस के नाम से भी जाना जाता है, और बड़ा महत्वपूर्ण केस था। उसमें कुल मिलाकर के रिजर्वेशन की वैलिडिटी को तो माना गया, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें जो सामान्य परिस्थितियों में जो रिजर्वेशन है वो 50% की सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकता, यानी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता सामान्य परिस्थितियों में। एक्सेप्शनल केसेस में क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, वो फिर जब ऐसे सिचुएशन अराइज होती है तो फिर उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है और उस पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर जो कंडीशन है उसके बारे में फिर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उस मामले को इंटरप्रेट करती है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है वो बड़ा एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उसमें सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर की बात की गई है, लेकिन समान अवसर का मतलब ये नहीं है कि उसमें सबके लिए समानता है। उसमें जो पिछड़े दबे कुचले या जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनकी जो उनको भी अवसर मिले उसके लिए उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये है अनुच्छेद 16। नमस्कार, धन्यवाद।